गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। तो गाइज आज का ये सीन है कि आज मेरी तबीयत भी सुबह थोड़ी डाउन रही है और मुझे लूज मोशन हुए और मम्मी की तो तबीयत सुबह से ही उल्टी हो गई उन्हें और सिर में बहुत ज़बरदस्त दर्द है उनके। वैसे भी माइग्रेन होता है तो मम्मी तो अभी सामने रेस्ट कर रही है। नाना जी ने अभी नानी के इंजेक्शन लगाया है तो नानी अब कर रही है अपना ब्रेकफास्ट जो कि है ओट्स। और मैंने भी अपना लग कर लिया है ब्रेकफास्ट जो कि था आज ब्रेड, खुद ही सेकनी पड़ी ब्रेड और भुजिया और एक स्टिंग वो ले आया था मैं पूरे पेट को, पेट थोड़ा सही रहे तो इस वजह से मैंने ले ली वो। तो स्टिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, काफ़ी एनर्जी आ जाती है। अब नाना जी बचे हैं, नाना जी को ब्रेड खानी है तो मैं बस सेकने ही जा रहा हूँ उनकी ब्रेड। तो आपसे सेक के फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस अभी का ये सीन है कि अभी जो है देखो यहाँ पे बन रहा है राजमा प्रेशर में और देखो यहाँ पे अब जो है मम्मी जा रही हैं बनाने तो अभी क्लीन कर रही है बाथरूम को। तो अभी का ये सीन है कि अभी हमने थोड़ा बहुत अपने पेड़ पौधों में जो है पानी डाला है और यही सब सीन था गाइस। तो हमने सोचा व्लॉग करते हैं कंटिन्यू, काफ़ी टाइम से हुआ नहीं व्लॉग कंटिन्यू। और ये देखो सब पानी वानी डाल रखा है हमने और नाना जी छत पे गए हैं और यहाँ बनना है और दादी ये बैठी हुई हैं देख सकते हैं। और मम्मी अभी जो है मम्मी की अब थोड़ी बहुत तबीयत में थोड़ा बहुत ही अभी लीक हुआ है इसी वजह से ब्लॉग में कंटिन्यू ज़्यादा कर नहीं पा रहा। नानी जो है वह बहुत बाथरूम में गई है नहाने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, हम आपसे जल्दी मिलते हैं आगे के नेक्स्ट सीन में, तब तक चलता है। तो गाइज अभी का ये सीन है कि अभी मैं नहा धो के काफ़ी देर पहले आ गया था, ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाया और मम्मी भी यहाँ पर नहा धो के आ चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था तो सुबह उनकी थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, अब थोड़ा सा रिलीव हुआ है। तो ये देखो और नाना जी ये रहे यहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं भगवान जी के और नानी इस टाइम नहा रही है, फिर दद्दा नहाएंगी और अभी फ़िलहाल के लिए तो दद्दा सो ही रही है। और अभी का बस यही सीन था, तो हमने सोचा कि ना व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। आज का व्लॉग भी कहीं बाहर का नहीं हो पा रहा है, अब मैं कन्फर्मेशन दे नहीं सकता किस दिन होगा बाहर का, मे भी कल हो सकता हो शायद और आज देखेंगे कहीं बाहर जाएंगे तो नहीं। वैसे तो हमें जाना है, नानी की एक दवाई गलत आ गई है तो उसको थोड़ा चेंज करके लाएंगे है ना, तो उसके लिए जाना होगा, वो भी यहीं जाना है 2 कदम पे। तो चलो मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बाय। सो गाइस अभी का ये सीन है, अब मेरा टाइम हो रहा है दोपहर में लंच का, तो देखते हैं आज लंच में बना क्या है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस देखो पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इधर पेड़ पौधों में थोड़ा बहुत पानी डाल दिया, पत्तियाँ भिगा दी सारी क्योंकि ये देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या बना है। तो अभी प्लेट लग रही है राजमा चावल और रोटी, तो देख सकते हो ये मम्मी ने दी है प्लेट हमें राजमा चावल और रोटी। ये देखो थोड़ा ऊपर से लो इसको, गाइस हम लोग फटाफट से खा देते हैं फिर आपसे मिलते हैं जल्दी ही। और दादी ये नहीं हमारी, ये भी खाना खा रही है, तो जल्दी मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस अभी का ये देखो, अभी हम आए थे ऐसी बाहर टहलने तो हम वहाँ पे तो ब्लॉग नहीं शूट कर पाए क्योंकि भीड़ सी थी, लेकिन यहाँ का ब्लॉग देखते हैं। तो होप सो गाइस आपको इतना क्लियर वीडियो ना आ रहा हो, तो बाइक भी थोड़ी वो कर रही थी स्टार्टिंग में, दिक्कत कर दी थी स्टार्ट नहीं हो रही थी भाई, तो इसलिए ब्लॉग नहीं शूट कर पाया मैं। अब मैं आया था यहाँ पे 4 बार तो मैंने सोचा यहाँ पे ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। यहाँ पे नाना जी ये रहे खड़े हुए, नाना जी भी है और ये देख सकते हो क्या बढ़िया एरिया हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि हर बार रहता ही है सीन। और रही बात अब दिखाने की रास्ते तक, तो देखते हैं कैसा सीन रहता है। चलो आपसे मिलते हैं अब डायरेक्ट घर पे
और ले ले आगे का। और आप यहीं खड़े रहो, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो क्या बढ़िया सीन हो रहा है इधर आगे का। आगे छोटी लाइन है, इधर जो है बड़ी लाइन है ये यहाँ की। तो छोटी लाइन से जो है काफ़ी कम ट्रेनें जाती हैं, बड़ी लाइन से मैक्सिमम ट्रेनें जाती हैं। तो यही सीन था, इस वजह से हम लोग आए थे यहाँ। और रही बात इधर के रूट की, तो रूट दिखाना बेकार है, अंधेरे की वजह से आपको रूट दिखेगा नहीं। और यहाँ से होता है यहाँ का कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर। पता नहीं फोकस हो रहा है, आप देखो करेगा कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर, यहाँ से रिजर्वेशन होता है। तो आज पता नहीं इंटरन से चल रही थी कैसे, इसने दिक्कत की बाइक ने, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो प्लग जाके हमने साफ़ किया, उसके बाद हुई स्टार्ट। तो चलो फिर आपसे हम मिलते हैं जल्दी ही घर पहुँच के, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस देखो यहाँ पे हो रहा है खादी प्रदर्शन, जो कि कुछ ऐसा सजा हुआ है। गांधी शिल्प बाजार है। तो रुको एक मिनट, मिलते हैं आपसे। तो देखो गाइस यहाँ पे खादी प्रदर्शन का थोड़ा बहुत, तो हम पहले आपको दिखाते हैं ये स्टॉक, जो कि कुछ ये रहा। और देख सकते हो क्या बढ़िया स्टॉक है मूर्ति का। तो ये, और ये पीछे काम चल रहा है मूर्तियों पे। और इधर सब जनरेटर वनरेटर है। ये इधर का चार पास थोड़ा पास का एरिया है, और यहाँ सामने खड़ी कर दी बाइक। और ये रहे यहाँ नाना जी। थोड़ा रात में वीडियो क्वालिटी जो है थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा, अंदर से एक बार बाहर से एक लुक दिखाता हूँ आपको। रुक जाओ, ये इधर शायद ये बाल विद्या मंदिर स्कूल है। यहाँ पे काफ़ी सही है ये भी, इसकी भी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। वहीं की बसेस वसेस खड़ी हैं, सामने से आ रही है देखो कार। तो देख सकते हो क्या बढ़िया अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं, और ये सब देखो क्या बढ़िया बढ़िया रहे। और ये देखो गाइस यहाँ तक पूरा स्टॉल है। तो ये सारा स्टॉल यहाँ पे लगा है। तो गांधी शिल्प बाजार लखनऊ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे भारतीय महिला ग्राम उद्योग संस्थान प्रयागराज। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान है वो प्रयागराज से आया है, यानी कि इलाहाबाद से। तो यही सब सीन था, हम लोग जा रहे थे, हमने सोचा कि अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं। हमने पहले तो विजिट नहीं किया था, आज लाइट वाइट थी तो हमने विजिट कर लिया। तो चलो फिर आपसे जल्दी मिलते हैं घर पर, तब तक के लिए बाय। सो गाइस अभी जो है हम आ चुके हैं घर पर, और अभी का ये सीन है कि अभी जो है मैंने अपना ईमेल कंप्लीट किया है, और सब अंदर तो पी रहे हैं अभी चाय। और आज तारीख है 21 अक्टूबर, लगभग लगभग आज डे क्या है, वेट कर मिनट, डे है आज थर्सडे, आज थर्सडे है गाइस। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा बहुत बाहर का, आज जहाँ हम गए थे खादी, उसमें हमने मैं तो निकल रहा था रास्ते से, मैंने पहले भी देखा हुआ था, मगर वहाँ पे जो है क्या कहते हैं लाइटिंग नहीं थी। शाम के टाइम देखा था 6:30 तो उस टाइम लाइट्स वहाँ ऑन नहीं थी। तो आज लाइट्स वाइट ऑन थी, तो हमने सोचा यहाँ चल के दिखा देते हैं व्लॉग में अपनी ऑडियंस को। ये सारा जितना भी आइटम था वहाँ पर, ये सब इलाहाबाद से आता है, यानी कि प्रयागराज जिसका नाम अब हो गया है। तो वहाँ से ये सब सामान आता है जो मूर्ति देख रहे थे, वहाँ पर लगभग सब रहता है, थोड़ा बहुत विंटर कलेक्शन भी रहता है। और यही सब सीन था। अब बज रहे हैं 7:15 गाइस। आजकल तो व्लॉग बाहर का तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल मैं जो है वैसे मम्मी के साथ एक जगह जाना है, लेकिन रश एरिया है, फुल ट्राई रहेगा कि व्लॉग बन जाए, तब भी नहीं बन पाता तो प्लीज़ सॉरी कर लेना कल अगर छोटा व्लॉग आए। वैसे उम्मीद है नहीं कि इतना दिक्कत होगी, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और चलो आपसे अब जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आ रहे हैं हमारे रेगुलर व्लॉग, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। इसको ऑन करने से होगा जैसे अपने चैनल पर नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले आ जाएगा। सो गाइज प्लीज़ डू दिस फास्ट एज सून एज पॉसिबल, और जल्दी से जल्दी हमें 1K करवा दो, 1K ठीक है। और एक चीज़ मुझे और कहनी, हाँ
बाइक के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम थी, बाइक हो गई थी ओवर, बाइक में कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, इसने कुछ परेशान ज़्यादा किया नहीं, 3-4 किक नहीं 8-9 किक पे जब नहीं हुई स्टार्ट तो मैंने चोक लगाया इसका, तो चोक में 3री किक पे हो गई स्टार्ट, तो जब 3री पे हो गई तो वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं थी मैं तो कभी कदार ये होता है ना गाड़ी ओवर हो जाती है, पेट्रोल ऑन हो और जब जा रहे थे हम तो पता नहीं कैसे हो गई, ऐसे तो रेगुलरली अब चल रही है, कल शायद नहीं चली, नहीं कल चली, कल चली थी तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बिग डील नहीं थी, अगर कुछ खुलना पड़ता फिर प्लग डलता तो एक प्रॉब्लम की बात थी कि बार बार ओवर क्यों हो रही है, मगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक चोक लेते ही स्टार्ट हो गई थी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, उसके बाद अपनी हो गई सही। अभी बाहर खड़ी हुई है, मुझे मम्मी के साथ अभी काम से जाना है एक जगह तो इसलिए बाहर ही छोड़ दी थी, वरना तो मैं चढ़ा ही रहा था, लेकिन मम्मी ने एंड मोमेंट पे आकर कहा तो फिर हमने कहा रहने देते हैं। तो चलो फिर आपसे अब जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड गुड नाइट।